हेलो फ्रेंड, मैं हरीश और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है सेंसिविरिया को लेके। तो सेंसिविरिया जो आते हैं ये थोड़े कॉस्टली आते हैं। एक दो वैरायटीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी सेंसिविरिया आते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा कि सेंसिविरिया की आपके पास अगर 2 से 3 वैरायटी हैं तो उसके प्रोपगेशन से आप किस तरीके से उसकी वैरायटी को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने अपना अपना एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने इसका प्रोपगेशन करके इसकी वैरायटी को बढ़ाया है, वो मैं आपके सामने आज दिखाने वाला हूँ। तो आप भी इसका प्रोपगेशन कीजिए और किस तरीके से करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और इसके प्रोपगेशन से आपको इस स्नेक प्लांट की एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक वैरायटी दिखाता हूँ जो बहुत कॉमन सी वैरायटी है, वो है ये द्वार वाली वैरायटी सेंसिविरिया की। इसको द्वार वैरायटी बोलते हैं सेंसिविरिया की। एक ही आती है बड़ी और एक इससे मीडियम साइज़ भी आता है, वो मेरे पास वो वाली वैरायटी नहीं है। फिलहाल ये एक वैरायटी है जो द्वार में आती है। तो इसका जो हम लीव से प्रोपगेशन करते हैं, तो लीव से प्रोपगेशन जो हम करते हैं, तो आप ये देखिए, जो हमने लीव से प्रोपगेशन इसका किया तो इसमें से जो बेबी प्लांट्स लीव से निकल कर आते हैं वो इस तरीके के आते हैं। और जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो वो देखिए इस तरीके की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। जो कॉमन वाली वैरायटी होती है देखिए वो ये होती है। इसमें वेरिगेशन थोड़ा सा है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसकी पत्तियों में वेरिगेटेड जो है, लेकिन ये जो वैरायटी हमने इससे तैयार की है, ये वाले प्लांट से हमने तैयार की है। और इसका जब हम प्रोपगेशन करेंगे तो ये होगा, और जब प्लांट्स इसके तैयार होंगे तो आपको ये वाली वैरायटी मिलेगी। अब एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि भाई ये वाली वैरायटी प्रोपगेशन से तो हमें मिल गई, तो क्या इसके जो बेबी प्लांट्स आएंगे वो भी यही वैरायटी होगी? तो जी हाँ, ये देखिए इसमें जो बेबी प्लांट्स आ रहा है वो भी यही वैरायटी का आ रहा है। तो आप प्रोपगेशन से एक ये वाली वैरायटी तैयार कर सकते हैं। और अब शायद ये वीडियो में इतनी अच्छी इसकी लीव्स में जो ग्रो इसकी जो शाइन है वो नहीं दिख रही है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है अगर मैं कंपेयर करूँ इससे। तो एक ये वैरायटी आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब दूसरी वैरायटी मैं दिखाता हूँ, ये एक बहुत कॉमन सा प्लांट है, इसको बोलते हैं मून शाइन, सेंसिविरिया मून शाइन। तो सेंसिविरिया मून शाइन की जब आप लीव से कटिंग करके इसका प्रोपगेशन करेंगे, तो देखिए ये हमने जब इससे करा लास्ट ईयर तो हमने इसमें 2 पत्तियाँ लगाई थी। तो इसका जो प्रोपगेशन हमने करा तो ये हमारे पास बेबी प्लांट्स मिला, और ये जो बेबी प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो देखिए ये रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। तो ये सेंसिविरिया की एक छोटी सी वैरायटी हमारे पास मिली है द्वार में। ये एक कॉमन सी वैरायटी आपने देखी होगी ये वाली, तो ये तो बहुत कॉमन है, ये तो आपको हर जगह मिल जाएगी। ये जो वैरायटी है ये थोड़ी सी जो हमारा नॉर्मल स्नेक प्लांट होता है ग्रीन वाला, उसी की तरह है, लेकिन ये इसका साइज अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ये 1 साल से फेबरी से तो है, तो इसका साइज इतना ही रहेगा। तो ये एक द्वार वैरायटी हमारी तैयार हुई है। तीसरी वैरायटी और दिखाता हूँ सेंसिविरिया की, ये है वेल शाइन। वेल शाइन का जो हमने प्रोपगेशन लीव से किया है, तो हम एक ही पत्ती लाए थे इसकी, तो देखिए इससे जो प्लांट तैयार हुआ है वो सेंसिविरिया की जो इसकी जो लीव्स हैं वो नॉर्मल सेंसिविरिया से थोड़ी ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड मतलब थोड़ी सी देखिए टेढ़ी मेढ़ी है ज़्यादा। सेंसिविरिया जो होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, लेकिन इसमें जो है आपको देखने को मिलेगी कि इसकी पत्तियाँ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आएंगी। और लेकिन मैंने इसकी भी देखिए अपनी एक अलग ब्यूटी है। तो इस तरीके से सेंसिविरिया की आप एक और वैरायटी तैयार कर सकते हैं वेल शाइन से। और एक और बहुत कॉमन सी वैरायटी होती है जो हम प्रोपगेट करेंगे, तो ये है सेंसिविरिया की वेरीगेटेड की जो वैरायटी आती है। इसका प्रोपगेशन जो हम करते हैं, तो इसका प्रोपगेशन जो हम करेंगे तो ये है इसकी लीव्स, जो हम इसकी लीव्स को कट करके लगाएंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर ये अपनी रूट सिस्टम को डेवलप कर लेता है। और इसमें से ये जो बेबी प्लांट्स आ रहा है वो बेबी प्लांट्स आपको ये नॉर्मल वाली वैरायटी का देखने को मिलेगा। तो ये वाली वैरायटी से प्रॉपर जो ग्रीन वाली वैरायटी है इसके जो आप लीव से प्रोपगेशन करेंगे तो इस तरीके की वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सेंसिविरिया की वैरायटी ये आप नई तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस वाली वैरायटी से आप प्रोपगेशन करेंगे लीव से, तो आपको ये वाली वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी, इसका प्रोपगेशन से आपको ग्रीन वाली ही मिलती है। तो ये है कुछ सेंसिविरियाज की वैरायटी जिसका प्रोपगेशन जब आप करेंगे तो आपको एक डिफरेंट वैरायटी का सेंसिविरिया फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप खुद ट्राई कीजिए सेंसिविरियास की जो प्रोपगेशन है, और एक न्यू वैरायटी को तैयार कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।